वो भी आ रहे हैं एंड हम साथ में मिलके पता शाम को आपको गिफ्ट मिले पापा के लिए नहीं लिया है। बहुत बकवास कर सकती हूँ, सर्दी में गज्जक खाने का मजा कुछ और। मम्मी स्कूल में नहीं होता था ये कुत्ते का बिस्किट। व्लॉग गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी तुलसी पूजा एंड मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा के, बस थोड़ा मुझे ये मांग सिंदूर लगाना है एंड एक बिंदी लगानी थी छोटी सी, क्योंकि आज पूजा है घर में इसलिए। तो मैंने सोचा वाई नॉट मैं अभी व्लॉग शुरू कर लूँ, तो मैंने व्लॉग शुरू कर लिया। आज मैंने अपना ये चूड़ीदार आउटफिट पहना है, मैं पूरा दिखाऊंगी आपको अभी ये रेडी होकर। सो सबसे पहले मैं करने वाली हूँ तुलसी पूजा, उसके बाद मैं पूरा अपना डे शुरू करूंगी। सबसे पहले पूजा करने के बाद ही ब्रेकफास्ट शुरू होगा। सो मैं रेडी हो जाती हूँ सबसे पहले तो। यस, फर्स्ट रिचुअल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है शादी के बाद, जो कि मुझे लगता है ये फर्स्ट रिचुअल है। एंड यस, उसके बाद आज हम क्रिसमस की डेकोरेशन करने वाले हैं और मेरी छोटी सी नीस है वो आने वाली है। मैंने उसके लिए छोटा सा सरप्राइज सोचा है, उसके लिए कुछ चॉकलेट्स एंड गिफ्ट्स मैंने लिए हैं, वो मुझे पैक करने हैं। एंड प्लस मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लिए हुए हैं और वो सब मैं अभी पैक करने वाली हूँ, दिन में आपको दिखाने वाली हूँ। एंड शाम को देखते हैं कि सबको कैसा लगता है सरप्राइज़। यस मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। पहली बात तो मैं घर में मेरे साथ लाइक यहाँ ससुराल में मेरे साथ सबके साथ पहला क्रिसमस है, पहला वो है, प्लस आज तुलसी पूजा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैंने अपनी दीदी को भी फ़ोन करके बुला लिया है शाम को, वो भी आ रहे हैं एंड हम साथ में मिल के आज सेलिब्रेट करेंगे। यस ये बिल्कुल परफेक्ट लगी है, ये बिल्कुल परफेक्ट लगी है और मैं एकदम ब्राइट जैसी फील ले रही हूँ। और ये मेरी सबसे फेवरेट रिंग है जो मैं अपने थंब में पहनती हूँ, तो ये हो गई है। यस, मंगलसूत्र रेडी, दुपट्टा डालना है, बाहर जाना है, सबका आशीर्वाद लेना है और दिन की शुरुआत करनी है। यस, मैं आपको क्या बताने वाली थी, हाँ मैं बताने वाली थी कि आज हम क्रिसमस के लिए मैंने थोड़ा प्लान किया है, सरप्राइज़ किया घर वालों के लिए, लेट्स सी सबके क्या रिएक्शन होते। बस मेरा एक ऑर्डर आया नहीं है तो मैं उसका वेट कर रही हूँ कि वो ऑर्डर मेरा जल्दी से आए एंड मैं फिर वो करूँ। और वो पापा के लिए हैं एंड पापा का ये ऑर्डर अब तक पहुँचा नहीं है, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। अगर वो ऑर्डर आज नहीं पहुँचा तो मैं सोच रही हूँ कहीं बाहर से कुछ अच्छा सा पापा के लिए लेकर आऊँ, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। एंड हाँ, और मुझे क्या बताना था, यस अब मैं भूल गई, ये बाद में आगे करने वाली हूँ। चलो मिलते हैं आगे, चलते हैं बाहर। गुड मॉर्निंग मम्मा। कोई बात नहीं, अच्छे लग रही है। हैप्पी तुलसी पूजा, मैरी क्रिसमस। हेलो सीजू, चीजू कैसे सोया हुआ है? चीजू नींद में तो अभी उठा नहीं है। सो मम्मी पूजा कर चुकी हैं ऑलरेडी, मंदिर में दिया जगा हुआ है। यस हम भी शुरुआत करते हैं। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है ना, जाने तुमको है संसार। हमारी डन हो चुकी है और तुलसी माता की पूजा हमेशा कृष्ण भगवान जी के साथ करनी चाहिए, मतलब उनकी तस्वीर रखकर। तो हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। बोल तुलसी मैया की जय। क्रिसमस की डेकोरेशन शुरू करने वाले उसके बाद बस ब्रेकफास्ट हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है। पूजा हो गई है, ब्रेकफास्ट करते ही हम डेकोरेशन करने वाले हैं, सारे गिफ्ट्स में पैक करने वाले हैं। यस, फटाफट से शुरू करते हैं। आपके लिए गिफ्ट नहीं आया कुछ भी? हाँ, ऐसे चुपचाप इसलिए बैठे हो? कोई गिफ्ट नहीं आया आपके लिए? नहीं आया? अच्छा, क्या पता शाम को आपको गिफ्ट मिले, चीजों को गिफ्ट मिले। नहीं मिलेगा? क्यों क्यों, घूमे घूमे चलोगे? चलो नहीं नहीं करा देते, नहीं नहीं करते हैं, चलो नहीं नहीं करेगा चीजों, नहीं नहीं, चलो चलो नहीं नहीं करते, चलो नहीं नहीं चीजों। ओ पहले ठंड लगने लग गई थी जो, पहले का आपके दिखा रहे हैं, मुझे ठंड लग ली है। ठंड लग रही है आपको? आपको ठंड लग रही है? आपको ठंड नहीं लग रही है? और मेरे बाबू बेटो बच्चे ना मिले कुछ मुच्छो से, है ना? कैसे नींद आती है चीजों को कान पे खुजलाने से, है ना? नींद आ जाती है ना आपको ऐसे, है ना? नींद आ जाती है ना? चलो नहीं नहीं करते, चलो चलो चीजू नहीं नहीं करते हैं। मम्मी कैसे कांपने लग गए देख रहे, नहीं नहीं के नाम से चल ही कांपने लग जाता है। अच्छा नहीं नहला रहे, घूमे घूमे चलेंगे फिर,
घूमी घूमी चले, आओ घूमी घूमी करते हैं, चलो। पापा का जो पार्सल आना था, गिफ्ट आना था, वो आया नहीं है, तो हम लोग लेने जा रहे हैं अभी एक जगह पे। और धीरे से चलाओ यार, अभी एक और जगह हम लोग देखने जा रहे हैं, आई होप वहाँ पे मिल जाए। मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ लिया है, सिर्फ पापा के लिए नहीं लिया है, और जो रोहन के लिए आना था वो भी कैंसिल हो गया है, तो इट्स ओके। यहीं से चलते हैं ना, यहीं से निकलते हैं, बताओ। ओ कैसे थके हुए हो रहे हो आप? अच्छा आप अच्छे लग रहे हो ऐसे, सच में आप हैंडसम हो, ऐसे अच्छे लग रहे हो। देखना एक बार, हेलो करना, हेलो व्लॉग। आज सुबह से मैंने आपको लिया नहीं है व्लॉग में। हम वहाँ पीछे वाले रास्ते से जा सकते हैं, आप क्यों नहीं जाना वहाँ से? पहले वो ले लेते हैं अपन, हमने गिफ्ट रैप नहीं किए तो हम रैप पेपर ले लेते हैं सबसे पहले, वो काम खत्म करते हैं। रैप पेपर लेने के बाद फिर हम पापा का कुछ गिफ्ट उठाने वाले हैं। तो ये कैमरा मुझे ज्यादा ही कुछ गोरा कर दिया। एंड उसके बाद दीदी हमारी केक बना के लेकर आई, वो बहुत अच्छा केक बनाती है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनका केक खाने के लिए। Yes. पापा के लिए गिफ्ट लेने आ चुके हैं, जो मैंने ऑर्डर किया था पापा के लिए वो पहुंचा नहीं, तो अभी हमें बाहर आना पड़ा है लेने के लिए, और देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। सबसे पहले मैंने सबके लिए जो गिफ्ट लिए, मैंने गिफ्ट रैप करने के लिए वो लाइक वो जो होता है वो रैपर लिया नहीं है, तो मैं गिफ्ट रैपर लेने वाली हूँ सबसे पहले, और उसके बाद हम पापा के लिए कुछ लेंगे। एंड मैं सब कुछ आपको अपने साथ दिखाने वाली हूँ। एंड मैं स्पेशली ये क्यों सेलिब्रेट कर रही हूँ, मेरी एक छोटी सी नीस है तो उसको ऐसा सब बहुत पसंद है, तो हमने प्लान किया मैंने और रोहन ने कि हम पूरा क्रिसमस लगाएंगे, डेकोर करेंगे। एंड हमने दीदी को बोला कि आप शाम को उसको लेके आना सरप्राइजली, उसको बहुत अच्छा लगे, तो हमने प्लान किया कि वाई नॉट, थोड़ा फन हो जाएगा एंड सब पिक्चर्स क्लिक करेंगे, दैट्स इट। यस, तो हम सबसे पहले जाने हैं पापा के लिए गिफ्ट लेने। नहीं, पापा के लिए गिफ्ट नहीं लेंगे, पहले वो लेंगे ना। हाँ, हम उसी जगह खड़े हैं, हम वेट कर रहे हैं, हमारी गाड़ी आगे नहीं निकल रही, तो हमने सोचा व्लॉग शुरू कर लेते हैं जब तक हमारी गाड़ी आगे निकले। हम ट्रैफिक में खड़े हैं एक तरह से, मैं खुद सुंदर लग रही हूँ इसलिए मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया, ये भी हो सकता है, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। बंद कर दो, मैं बहुत बकवास कर सकती हूँ। कल मैंने शाम के लिए एनर्जी बचेगी नहीं मस्ती करने के लिए, ऑलरेडी मैं थक गया, कितना चलना है यार। मैंने कल ही आपसे बोला था कि कल करना चाहिए। सर्दी में गज्जक खाने का मजा कुछ और आता है। पापा का गिफ्ट ले लिया है, अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि सबको अपने गिफ्ट कैसे लगेंगे। ऐसे तो ऐसा कुछ बड़ा नहीं लिया है, सबसे अच्छा गिफ्ट है मम्मी का और पापा का, है ना। मम्मी पापा का सबसे अच्छा गिफ्ट है क्योंकि वो लोग ज्यादा शॉपिंग नहीं करते, बाहर नहीं जाते, मतलब जैसे हम तो कुछ भी कभी ऑनलाइन मंगवा लिया, कभी बाहर गए तो कुछ ऐसा, वो अपने लिए कभी नहीं लेते और हमेशा हमारे लिए ही करते हैं, हमारे लिए लेते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि उनका सबसे ज्यादा वो होना चाहिए। बाकी सबके लिए छोटू से है, और रोहन का गिफ्ट आया नहीं तो मेरी गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद पिक नहीं किया, मैंने वो इनके लिए ऑर्डर कर दिया था। यस, अब हम डेकोरेशन शुरू करेंगे। मैं डेकोरेशन का तो मुझे बहुत हो रहा है, मेरी हेल्प करवा दोगे ना प्लीज? लाऊंगा, मैं सुबह से काम कर रही हूँ आज उसके चक्कर में, प्लीज करा दोगे ना? हाँ, अभी यहाँ भर रहा हूँ डेकोरेशन, मैं आपको अकेले दिखूंगी टाइम लैप्स में। गिफ्ट की पैकिंग शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे हम शोर नहीं कर रहे, बहुत आराम से पैकिंग कर रहे हैं। ऐसे तो मम्मी को शक हो गया, ना कि हम कुछ कर रहे हैं, है ना, दिख रहा है ना सबको, आप ऐसे करते नहीं सबके गिफ्ट्स रेडी हो चुके हैं, रेडी। अब डेकोरेशन करने जाऊंगी मैं, एंड मैं अपने कपड़े चेंज करूंगी, अभी मेरा लुक चेंज होगा, अभी मैं घर के कपड़ों में घूम रही हूँ तब से। बस मुझे सबके गिफ्ट्स पैक करने थे रेडी, रोहन ने मेरी हेल्प की तो सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। यस, एंड दीदी हमारे लिए ब्राउनी लेके आ रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप हो? सबको दिख गए। अब हम करते हैं डेकोरेशन शुरू, क्योंकि आगे हमारी त्रिशा, ये पूरा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, पूरा यहाँ पे हम डेकोर करने वाले हैं। मैं ये बिफोर का एक लुक देख दिखा रही हूँ, अभी यहाँ पे ऐसा है, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे बहुत अच्छा लुक होने वाला है। मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने ये अपनी नीस के लिए गिफ्ट पैक किया, मैंने इसमें चॉकलेट्स लगा दी हैं। ओह शिट, गिर गया, दोबारा लगा लूँगी। एंड अब बाकी मैंने घर वालों को, मतलब मैंने बाहर डेकोरेशन कर दिया, घर वालों को बोला है कि सब थोड़ी देर के लिए रेडी हो जाओ,
लेकिन कोई क्रिसमस नहीं मनाता ना कोई क्रिसमस। हम वो कॉलेज वाले वो बच्चे नहीं होते जिनको एक्साइटमेंट होती कि सब अपनी, पहले हम स्लिप बनाते थे सारे बच्चे और एक दूसरे का वो लाइक नाम आता था तो सब एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे मैं यहाँ पर इतना नई नहीं हूँ तो मैं किसी को बोल नहीं सकती ना सबकी सबको, तो इसलिए मैंने सबके लिए गिफ्ट ले लिए। अब चलते हैं बाहर, ये लगाना पड़ेगा रोहू एक बार, ये नीचे गिर गया। गिफ्ट्स रेडी, डेकोरेशन रेडी, और ये हमने अपने बैठने का प्लेस बनाया है, तो मैंने बीन बैग रखा है यहाँ पे बैठने के लिए। और अब हम, अभी मैं सबको गिफ्ट देने वाली हूँ, अभी सबको अपने गिफ्ट्स गैस करने हैं कि किसके लिए क्या है। तीक, आर यू रेडी? चलो हाई फाई दो जल्दी, हाई फाई। तो अब हम अपना क्रिसमस सेलिब्रेट, सुबह हमने, एक्चुअली हम बहुत सेक्युलर लोग हैं, सुबह हमने तुलसी पूजा की थी प्रॉपर पूरी फैमिली ने, सब ने तुलसी माता को टीका किया, अच्छे से प्रेयर की, एंड अब हम शाम को क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। जस्ट अच्छे से खाना खाएंगे, चिल करेंगे पूरी फैमिली, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। ये इतना मतलब समझदार इंसान, इतनी सुंदर डेकोरेशन करने वाला। लीबू आई मिस यू, एलसी लीबा। ये ब्राउनी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, किसी प्लेट में ज्यादा नहीं जानी चाहिए, बांट बांट के रोहन भाटी सबको दे रहे हैं। देखो अपनी सबसे पहले, यार रोहू सीरियसली, तीको ये कौन खाने वाला है, कौन बना के लाया है? तीशा की मम्मा। यार गिफ्ट के लिए कोई एक्साइटेड है या नहीं प्लीज मुझे बताओ, आप एक्साइटेड हो भाई रोहू? आप एक्साइटेड हो? नहीं हम तो, हम प्लानर्स है ना। मम्मा पापा आप एक्साइटेड हो? कौन नहीं होता? हाँ मम्मी, मम्मी का रिप्लाई एकदम वो बच्चा होता है। पहले निशा अपना गिफ्ट ओपन करेगी और सबको डांस भी दिखाना है उसके बाद। दिख रहा है उसका रूप? रेड वाला, रेड छोटा रेड। रोज छोटा रेड या बड़ा रेड? बड़ा रेड। मैं बताती हूँ इसका ये गिफ्ट, बताओगे सुबह भी बताओ किसका है ये? मम्मी पापा बताओ किसका है, मम्मा किसका है? मेरा है। दीदी किसका? ये पापा का सबसे बड़ा गिफ्ट, बड़े आदमी के लिए। वाह भाई, दीदी के लिए पापा का है। वाह भाई वाह, आपको कैसे पता है पापा का है? सुनिए ऐसा अच्छा लग रहा है। पापा खोलो और रुको, पापा गैस करो इसमें क्या होगा। बकवास बताओ शानू भाई, आपको सब पता है। अच्छा तुरंत पूछ के कहते हैं इसे शानू, क्या किया था आपने? दीदी बताओ क्या है, देखो भाई बताओ क्या है। भैया अभी भी स्टॉल बोल रहे हो ना? अभी भी स्टॉल? ओह भाई साहब, अरे स्वेटर है। पापा कैसा लगा सच्ची बताओ? अच्छा। हां पापा आपके ऊपर बहुत सुंदर लग रहा है। बड़ा ग्रे, मम्मी किसको बोल रही है? आप बताओ ये गिफ्ट किसका है? मम्मी। शान भाई किसका ये गिफ्ट? मम्मी। मम्मा किसका है? वो पहले वाले गिफ्ट से एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, लेकिन मैंने सिर्फ पापा का गिफ्ट महंगा लिया, बाकी सबके वैसे लिए हैं ठीक है, क्योंकि मैंने पापा को कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। मम्मी का है। मम्मी? हाँ मम्मी। आपकी वोट शान भाई? पूर्णिमा। ओके पापा किसका गिफ्ट होगा? मम्मी। पापा बताओ, आप बोलो पापा। मम्मी मम्मी आप मेबी दीदी बिजी है। तुषा किसका गिफ्ट है ये जल्दी बताओ? बस दो नानी का पास। आप सब गलत हो, ये दीदी का गिफ्ट है। सही कह रही है। दीदी क्या है ये बताओ? कैसे नहीं कर सकते? कान वाले हैं जो कान ढक कर। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही बोला। ये तो हनी ने पहन रखा, तो पहन रहा है। अपना गिफ्ट मिल चुका है, तिशा बताएगी थर्ड गिफ्ट किसको देना है, बताओ कौन सा उठाऊं? ग्रे। ये छोटा वाला ग्रे। ओके ये किसका हो गया, जल्दी जल्दी सब बताओ। सीजर का। सीजर का नहीं, सीजर है पार्ट में। सीजर का गिफ्ट नहीं है, ये गिफ्ट है भाभी का। अरे ये कुत्ते का बिस्किट। कुत्ते का बिस्किट नहीं है, क्या का गिफ्ट है ये? ये अच्छा लग रहा है। और इसके साथ एक और गिफ्ट आपका, और टीको मेरे भी दो दो। ये गिफ्ट आपका जरूरतमंद है, और ये एक अंदर का गिफ्ट है, एक बाहर का, एक अंदर का गिफ्ट है, एक बाहर का गिफ्ट है, दो गिफ्ट है। थैंक यू आरू टू टू, एक हमने जुगाड़ कर दिया।
शानू ये खाने का आइटम है ना, चॉकलेट है। मैंने बोला ना थैंक यू आरू। यार आरू भाई परफ्यूम परफ्यूम कह रही हूँ। हाँ परफ्यूम है, परफ्यूम है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। हाय ये बिल्कुल न्यू कलेक्शन में से सच्ची में देखो इसकी फ्रेग्रेंस। तुम्हारा फेवरेट भाभी के लिए बहुत जरूरत थी जो मैं बहुत दिन से देख रही थी, तो ये आपकी जरूरत पूरी करेगा। देखो सच्ची में आपकी जरूरत, ये गिफ्ट मम्मी बिल्कुल जरूरत के हिसाब से आया है। शानू भाई रुको, जो चीज आप नहीं ला सके वो मैं ले आई। शानू गेस करियो, साइलेंसर होगा ये बोलती रहती है ज्यादा। ये जरूरत थी मेरी साइलेंसर थोड़ी होता है वो। ओ सास अभी बनाओ, अभी टाइम मैच करेगी इस पे भाभी, मैच करेगी इस पे, मैच करेगी इस पे, आगे डालना इसको, नाइस अभी डाल रहे हैं। शाम भाई का पेट एडिट में कट होगा यार। थैंक यू आरू। यार सिर्फ भाभी ने मुझे हक दिया, आप लोगों ने हक क्यों नहीं दिया? देंगे। दो लोग बचे हैं भाभी, बताओ शान भाई बचे हैं मम्मी बची हैं, अब इनमें से कौन सा गिफ्ट मम्मी का है कौन सा शान भाई का है? मैं बताती हूँ। हाँ। वो मम्मी का उधर वाला, ये शानू का है। आपको आप बताओ सेम, आप बताओ सेम, आप बताओ दीदी, क्योंकि उसमें मुझे मेकअप का सामान लग रहा है। ओ यार है ना, आप बताओ दीदी, आप बताओ सेम वही मेकअप सामान उसमें। ठीक आप भी पापा, आप भी पापा तो हमारे सबके हमारे पापा सबके हमें यहाँ रखते हैं। तो सबसे पहले हम खिलवाते हैं गिफ्ट शान भाई का। गिफ्ट आप खोलोगे अपना, ये मम्मी ऐसे लेता है। मुझे मम्मी स्कूल में नहीं होता था भैया, ये गिफ्ट आपका है। ये मैंने बहुत सोच समझ के दिया है भाई के करियर में बढ़ोतरी के लिए। मुझे समझ नहीं आया कि मैं आपके लिए क्या लूं, तो ये आपके भाई सजेशन था। सजेशन नहीं बस ऐसा दिया कि आई थिंक सबसे बेस्ट फिर यही होगा, अगर यही है सबसे बेस्ट गिफ्ट। नहीं ऐसा जरूरी भी नहीं क्या बच्चों लोगों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखो। बहुत छोटा सा गिफ्ट है ये, बट बहुत अच्छा लगेगा। हेलो मैं आपको कटती देखो, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, इसमें भी दो है। मुझे भी दो गिफ्ट मिले हैं। अरे वाह क्या है ये, मैं समझ गई हूँ। ये जो आपने इसको अपने रूम में पानी डाल के रखना, जो गुड वाइब्स लेके आते ना। अच्छा ओ नाइस, ठीक है ये आपके यूजफुल है ना ऑफिस के काम के लिए। खुश करो, और ये कोई गिफ्ट करता है ना मम्मी, ये जब लकी होता है, खुद का खरीदा हुआ नहीं होता। शान भाई आप जल्दी कनाडा जाओ, इससे ये आपके लिए इतना लकी हो। हाँ ये आपके लिए इतना लकी हो, आप इस कछुए में बैठ के धीरे धीरे, वो कहते ना कछुए की स्पीड बहुत तेज होती है। भाई साहब ये मम्मा का गिफ्ट है, भाभी ने मम्मी ने पहले भाभी ने पहले गैस कर दिया, पर आप खोलो वो देखने से पता चल रहा था। मम्मी गैस तो करो क्या है। हाँ मतलब मेकअप में क्या ही बताओ, मेकअप में लिपस्टिक नहीं, लिपस्टिक ब्यूटी का है ये, बताओ जल्दी कैसे। ओह माय फाउंडेशन, अरे वाओ कॉम्पैक्ट है, नहीं है दिखाओ शानू, दूर देख लेना दूर, आपके लिए लाई आपको। कितनी पागल है ये, मम्मी की कान के लिए बांधी भगवान गोल्ड की, और नकली थोड़ी लेके आती तो कह रही गोल्ड की, तो को मैं पहना हूं। कितनी पागल लड़की है ये, लो मैं पहना हूं आपको बाय डिजाइन। मेरे सब्सक्राइबर प्लीज बताना मम्मी की बालों का डिजाइन कैसा है। मैंने मम्मी को सबसे एंड में गिफ्ट क्यों दिया, क्योंकि महंगा सिर्फ मम्मी और पापा का है। स्टार्टिंग में पापा का दिखा दिया,
बढ़ जाएंगे तब तक और ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ मेरा परिवार और बड़ा हो जाएगा, मेरा यूट्यूब परिवार, तो मैं अपने सारे फैमिली वालों को और बड़े बड़े गिफ्ट दूंगी। क्या सुनना? चलो भाई दीदी आप पहना मम्मी को, मुझे पहना जाएगा और आप पहनाना मम्मा को। एक नंबर आरू ने बनाया है, मैंने डब्बे दिखा दिए, मैंने बाहर से ऑर्डर किया है ये और अब दोनों खाएंगे।